अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू शो व्हिच इज नॉट सर चल रहा है ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लाइट बन ओके। सो ये पॉडकास्ट नहीं है बिल्कुल भी, और मैंने सोचा कि भाई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया शो स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा हैवी आए ऊपर से। और आजकल की फिज़ा आपको पता है ना क्या चल रहा है, हर जगह इलेक्शन चल रहा है, मतलब फिल्म्स नहीं चल रही इतनी जितना पार्लियामेंट की वीडियोस चल रही हैं। सर सही कह रहा हूँ मैं? तो भाई हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुस्तफा कमाल भाई। और काफ़ी आपने इनको देखा होगा, इनको सुना होगा। भाई मैं कह सकता हूँ कि मैंने तो अपने बचपन में इनको मतलब सुना है, देखा है। और सर जज नहीं कीजिएगा मेरी दाढ़ी से आप, बस ये तो वो लग रहा है। मैं भी कहूँगा मैंने भी आपको अपने बचपन में आपको देखा है, आपका प्रोग्राम देखा है। नहीं, मैं भी कह सकता हूँ मैंने भी अपने बचपन में आपका प्रोग्राम देखा है। वो कहते हैं ना कि भाई वो वक्त से पहले हालात से लड़ाऊँ, मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बढ़ाऊँ, तो ये वाली बात है। तो भाई हम बाइक्स पे घूमते हैं। और तो मुस्तफा भाई कैसे चल रहा है ये सब कुछ? अल्लाह का शुक्र है, सो फार सो गुड, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, नो कंप्लेंट्स, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्र है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम हर दिन के गुजरने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात फैलती चली जा रही है, हमारी पार्टी बढ़ती चली जा रही है, और इंशाल्लाह ताला जो है वो जो हालात हैं शहर के, मुल्क के, सूबे के, PSP के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपकी बात के स्टार्ट में बड़े सूफियाना से लगे आप, खैरियत? बड़े नेचर थोड़ी डिफरेंट लगी मुझे जो मैं देखता आया, मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आई है आपकी नेचर में। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो टॉपिक जिस माहौल में आप बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मेरा मूड और मेरा माहौल भी वैसे होगा। अच्छा, अभी आप जो है वो जिस माहौल पे, जिस जाहिर सी बात है मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकता, बिल्कुल हर माहौल और हर बात के ऊपर जो है वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन और उसका कॉन्टेंट डिफरेंट होता है, तो हर वक्त एक जैसा लहजा या एक जैसी टोन नहीं हो सकता, टोन जो है वो वही कर रखेगा जो एक्टिंग कर रहा होगा, जो मुनाफ़त कर रहा होगा। सही, मैं इंसान हूँ और एक इंसान जो अपने एक्सप्रेशंस जेन्युइनली इश्यूज़ के ऊपर देता है, रखता है, वो जो है वो हम करते हैं। आप ये मुझे बताएं, मुसवा अभी हम लोग जा रहे हैं भाई शारे फैसल पे, अभी यहाँ भी काफ़ी शदीद बारिश हो गई जी। अच्छा, ये स्ट्रीट का जहाँ तक सवाल है, ये तो अभी काफ़ी बेटर सिचुएशन है, बड़ी बड़ी जो हम शाराएँ दिख रही हैं, बट इलाकों में अभी आपने देखा कि क्या सूरत हाल है? जी, सब डूबा हुआ इलाका, सारा सब डूबा हुआ है, फेडरल नॉर्थ कराची डूबा हुआ है, न्यू कराची डूबा हुआ है, सुरजानी डूबा हुआ है, जो है वो गुलशन इकबाल, गुलशन गाजी वगैरह बहुत सारी गलियां डूबी हुई हैं, बहुत सारे इलाके। फिर जो है वो बल्दिया टाउन तो लोग जाते नहीं हैं, मैं तो जाता हूँ बल्दिया टाउन, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, तो बल्दिया टाउन डूबा हुआ है सारा, औरंगी डूबा हुआ है, कोरंगी डूबा हुआ है, तो इधर मलीर की तरफ जो है बहुत बुरी कंडीशन है, तो हालात तो बहुत ख़राब है। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी कैंपेन्स चल रही हैं, स्पेशली आपने देखा होगा कराची में जमात इस्लामी की बड़ी आपने कैंपेन्स देखी होंगी आजकल। जी जी, PSP वैसी नज़र नहीं आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स नज़र नहीं आ रही है इनकी, क्या वजह है? क्या पैसे नहीं है, क्या है चक्कर आपका? फंड्स नहीं है आपके पास, क्यों आप लोग इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं डिजिटल पे या वैसी होर्डिंग्स? अभी देखे ना मैंने आपके तरफ ही थोड़े बहुत आपकी होर्डिंग्स देखी, ऐसे विजिबिलिटी नहीं है PSP की, कैंडिडेट्स की, तो कैसे पता चलेगा कि कौन खड़ा हुआ है? ये इलेक्शन वाले दिन पेपर पे जाके हम देख रहे होंगे तब हमें पता चलेगा कौन कैंडिडेट है, क्या वजह है ये? पैसे नहीं है हमारे पास, ये सब लोग जो है वो पैसे से कैंपेन चला रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मैंने हराम नहीं कमाया, 300 अरब रुपये खर्च किए हैं, 30,000 करोड़ अपने ज़माने में, और मेरा दुश्मन भी आज मुझ पर 1 रुपये भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, 12 साल हो गए मुझे उस उहदे को छोड़े हुए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हराम के पैसे नहीं हैं, हम तो किसी तरह से ये पार्टी अपने पेट को काट कर अपने तमाम हमारे कारकुनान अपनी जेबों से चंदा करते हैं, और ये चंदा करके डोनेशन करके ये सारा कुछ जो है वो चला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे पास किसी से मुकाबला करने के लिए इस मामले में हम बिल्कुल सबसे पीछे हैं, और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास किरदार है, हमारे पास काम की लेगेसी है, कारकर्दगी है, जो कि किसी और के पास नहीं है, और हमारे पास पोस्टर और बैनर लगाने के पैसे नहीं हैं। सर ये बता भी आप पीछे देख रहे होंगे मुस्तकिल हॉर्न बजाया जा रहा है, ये इनका क्या हाल है? ये आपने भी इनका हल नहीं निकाला मेरे ख्याल से जब आपका टेन्योर था, इन वैगन्स का क्या हुआ, कब तक हम देखेंगे? नहीं वैगन्स भी जो है भाई, आप जब मास ट्रांजिट नहीं चलाएंगे, मैंने अपने ज़माने में 3 रूट्स शुरू किए थे अपने आखिरी साल में बसेस की, और वो रूट्स जो है वो बढ़ते चले जाते, मास ट्रांजिट आ जाता, चीज़ें हो जाती, ये वैगन ऑब्सोलीट हो जाती,
लेकिन आज तो लोग इन वैगनों की भी छतों पर लोग सफ़र करते हैं। अगर आप लोगों से ये भी छीन लेंगे तो अब तो लोग चिंची रिक्शे पे आ गए हैं, तो कराची तो बददरी जो है वो पीछे जा रहा है। तो चूँकि यहाँ पे जो मैं बिल्कुल भगवान के दोहल कहूँगा कि हमारे अलावा जो भी हुक्मरान आया है 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, मेरे बनाए हुए शहर को लूटा है उन्होंने, बनाना तो दूर की बात। पहले तो ये मुझे बताया कि PSP की तरफ से अभी इस दफ़ा मेयर का कैंडिडेट कौन है, ये अभी तक? जी मैं हूँ। आप खुद हैं? जी मैं हूँ। सपोज करें आप आ जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, आप आ जाते हैं जी, तो आपका क्या लायामल है, आपकी क्या वर्किंग है? क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज़ आज सब जाएंगे, बट एट दी एंड 18 अमेंडमेंट आ जाएगी, सबसे मेन चीज़ है, आप किस तरह उसको जाके काउंटर करेंगे? देखिए मुस्तफ़ा कमाल को जो लोग जानते हैं और उनको ये सवाल वो नहीं करेंगे मुस्तफ़ा कमाल से। मुस्तफ़ा कमाल का माजी, मुस्तफ़ा कमाल की मुस्तकबिल के काम की ज़मानत है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने कुछ करके दिखाया मेरे अलावा, ये अल्लाह ने मुझे ये शर्फ बख्शा है, अल्लाह ने करवाया काम मेरे बाद 12 सालों से। आज लोग मेयर भी बने हैं, 14 सालों से हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की भी है, 3 साल इमरान खान भी जो है वो वज़ीर आज़म 3.5 साल रहे, इस शहर में ढेले बराबर का काम नहीं हुआ। आखिरी काम अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए यहाँ पर कराची में करवाया। और मेरे मुझसे कोई ये सवाल बनता नहीं है, इसलिए नहीं बनता कि भाई हमने तो करके दिखाया है, तो हमने जब पहले करके दिखाया है तो हमें दोबारा करने में क्या मसला है? और कोई ये सब बहाना है कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। हाँ इख्तियारात कम है, लेकिन आज मेंटेनेंस करने के इख्तियारात हैं इस शहर में। आज भी इतना पैसा, इतने वसाइल हैं कि शहर की मेंटेनेंस की जा सके, झाड़ू लगाया जा सके शहर पे, इस पे शहर पे कचरा उठाया जा सके, नालों की सफाई हो सके, इस शहर में पानी दिया जा सके, शहर के जो है वो छोटे छोटे जो है पॉट होल्स को जो है वो रिपेयर किया जा सके, शहर के पार्क को बेहतर बनाया जा सके, शहर के अब्बासी शहीद अस्पताल को ठीक किया जा सके। और इसमें पैसे ऑलरेडी लोगों के शहर के स्कूलों को ठीक, इसलिए उसके पैसे तनख्वाहें तो जा रही हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तनख्वाहें चीज़ें तो जा रही हैं। तो ये काम मुस्तफ़ा कमाल से अल्लाह ताला ने करके दिखाया है भाई। मुझे लोगों को मेरे बारे में कन्फ्यूजन नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाया है। हाँ औरों को अपनी बात को बताने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो लंतरानियाँ करने की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा कमाल को ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, मेरे एक्शन जो हैं मैंने जो करके दिखाया है उसके बाद किसी ने कुछ किया नहीं है। हम वो दोबारा कर सकते हैं, उससे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा यूजुअली अभी जब भी आपका नाम आ रहा है आजकल कैंपेन्स में, आपने देखा होगा कि लोग यही कह रहे हैं कि ये नेमतुल्ला खान साहब के ये प्रोजेक्ट थे जो आपने कैरी किए। अगर उस चीज़ को हटा देते हैं, अभी आपके जहन में क्या चीज़ है? मतलब आपके पास हुकूमत आ गई, आपके पास मेयरशिप आ गई, आप सबसे मेन बेसिक क्या करेंगे कराची के लिए? आपकी जो है ना ये बात जो है ना आपकी रेटिंग डाउन कर देगी, लोग समझेंगे कि आपको मालूम नहीं है, ठीक है? और आपके सवाल जो है ना वो लोग, ये बड़ी बचकाना बात है, मैं इसका जवाब देना भी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लेवल की बात नहीं है। कि ये जो बात है, कमेंट है कि नेमतुल्ला साहब के प्लानिंग को मुस्तफ़ा कमाल ने किया, तो भाई ये ज़रा आ जाए यहीं पर अटक जाते हैं। सही बोले भाई, ले आओ कौन सा नंबर 1 प्लानिंग बताओ, कौन सी थी, कौन सा डॉक्यूमेंट है, कहाँ है, किस प्लानिंग को कैरी आउट किया है। दूसरे नंबर पर ले आओ, 2488 प्रोजेक्ट किए हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, 2488 मेगा प्रोजेक्ट्स, 5 करोड़ से ऊपर वाले 2400 सारे नेमतुल्ला साहब प्लान करके गए थे। अच्छा तो उसके बाद जो है वो, तो मैंने तो उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कहा है एक लफ्ज़ भी, मरने के बाद मैं उनको क्या कहूँ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन इतना बोलूँगा। तो ये बात जो है वो इस बात का जवाब भी देना जो है ना वो बड़ी अजीब सी बात है। लोग मुझे जानते हैं, पूरा डिपार्टमेंट हुआ सरकार के काम सारे कागज़ों पे होते हैं, कागज़ों पे उसकी डॉक्यूमेंट बनती है, पूरा सिटी गवर्नमेंट भरा पड़ा हुआ है। 12 साल से मैं वहाँ पर नहीं हूँ, आपका क्या हाल है वहाँ पर? पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, MQM की हुक्मरानी है, PTI की हुक्मरानी है, वो नेमतुल्ला साहब की प्लानिंग लाकर लोगों के मुंह पर नहीं मारते लाके, ये देखो ये नेमतुल्ला साहब प्लान करके रहते हैं, ये देखो ये सब चीज़ें कागज़ों पे होती हैं। 100 साल पहले की चीज़ों भी कागज़ों पे हैं, 70 साल पहले की चीज़ें पहले भी चीज़ें कागज़ों पे ले आते ना सारी चीज़ें। तो ये तो मैं मुझे जेब नहीं देता इस वाली बात का जवाब देना। ये लोग मुझे जानते हैं भाई 5 सालों तक, मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ना फिर उनकी बुराई हो जाएगी कि कितना बेड़ा गर्क था और क्या चीज़ें थी और क्या मैंने क्या का सीधा किया, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ 5 सालों में नहीं किया। और लोग जो लोग मैं तो हैरत करता हूँ, जो लोग
बल्कि ये कह देता हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक हदीस है उसमें कहा कि एक मुसलमान उनसे मफहूम है कि पूछा कि भाई मुसलमान बुजदिल हो सकता है, कहा क्या हो सकता है, मुसलमान जो है वो कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, कहा क्या हो सकता है, कि मुसलमान झूठ बोल सकता है, उस वसल्लम का नहीं मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। तो जो लोग जो जिनके ना जो अल्लाह का नाम लेकर और रसूल का नाम लेकर और दीन का नाम लेकर अगर उनसे झूठ सरजद हो रहा है तो फिर तो उनका और अल्लाह का मामला है, मेरा मामला नहीं है बीच में, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर अवाम को कैसे काउंटर करेंगे? अवाम को पता है। अच्छा देखिए, अब मसला ये है कि अवाम को पता, अवाम मैंने आपका टेन्योर देखा है, अपने लाइफ देखा। जी जी जी। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे तो होंगे ना जो उस वक्त 12 साल के थे बट आज वो 22 साल के 24 साल के। या अगर गूगल करें मुस्तफा कमाल को टाइप करें, मुस्तफा कमाल टाइप करें और उसके बाद मुस्तफा कमाल की सारी चीजें जो उनको जो मेरी टेन्योर के बाद भी बच्चा पैदा हुआ है ना, और बल्कि जब उस जमाने में जोटा भी था, वो सब कुछ ढूंढ सकता है, निकाल सकता है, सब चीजें मौजूद हैं। किसी को ये कयास नहीं है सिवाय मुनाफिकीन के। मुनाफिकीन समझते हैं वो जिसको सब कुछ पता होता है लेकिन उसको पता होने के बावजूद भी वो सच मानता नहीं, उसको पता होता है कि सच क्या है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुनाफिकीन की बात तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई दुश्मन भी होगा ना तो मेरा तो दुश्मन भी मेरी कारकर्दगी पर डिस्प्यूट नहीं करता, दुश्मन भी उसको ये वाला ये उसको कन्फ्यूजन नहीं है कि मुस्तफा कमाल ने काम किया नहीं किया, ये वाली कन्फ्यूजन नहीं उसको। तो जो लोग डिजिटल पे हैं आप जैसे फरमाया तो वो जाएं जाकर जो है वो मुस्तफा कमाल को गूगल करें और पता चल जाएगा मुस्तफा कमाल ने क्या काम किया। बट अब वही सवाल के आएंगे किस तरह आप अगर लोगों को लोग कहीं ना कहीं कन्विंस होंगे आपसे तो वोट डालेंगे। नहीं 100% देखिए, अगर लोगों को अपने काम सही कराने हैं, अपने शहर को बेहतर कराना है, अपने हालात बेहतर कराने हैं, तो उन्होंने देखिए पीपल्स पार्टी 14 सालों से कुछ नहीं कर सकी, एमक्यूएम 40 सालों से कुछ नहीं कर सकी, मुस्तफा कमाल के टेन्योर के अलावा उसके पास कुछ है नहीं, पीटीआई 3.5 साल वजीर आजम गवर्नर वजीर आजम सदर रहे कुछ नहीं कर सके, तो पीएसपी के अलावा मुस्तफा कमाल के अलावा लोगों के पास अपने मसाइल हल करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस शहर को आखिरी दफ़ा अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से बनवाया था, हम ही उसको दोबारा बना सकते हैं, वक्त और हालात ने साबित कर दिया। अच्छा मुस्तफा भाई देखें, अभी आपने साइड में देखा ये जो वॉल चौकिंग है और पीएसपी की भी मैंने बहुत देखी है, ये वॉल चौकिंग ये हमारा जो कल्चर है कराची कब बाहर निकलेगा इससे? देखिए कराची वजह ये है कि किसी और की प्रॉपर्टी होती है। नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, इसके लिए पूरा एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा आपको, लोगों को उसके पहले बहुत सारी बुनियादी सहूलियात देनी पड़ेंगी आपको, सेंस ऑफ ओनरशिप। हमारे जमाने में निकल रहा था ना आयोन, मैंने तीन साल पहले शहर को डेवलप किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, चौथे साल जाकर लोगों को कहा कि लोगों ये तुम्हारे पैसों से बनाया है आओ इसको ओन करो, और लोग आ गए। 28,000 मेरे जो है मुझे अपनी मेंबरशिप बंद करनी पड़ी क्योंकि मैं उनको कैटर करने के लिए मेरे पास पूरा एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ा। तो 28,000 आई ओन कराची के वॉलंटियर्स थे। तो इसी तरह से आई ओन कराची दोबारा जब हम, लेकिन उससे पहले आपको शहर के लिए ये एतमाद देना पड़ेगा लोगों को कि जब ये शहर सोता है तो आप उसके लिए रातों में उनके लिए जागते हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल करते थे और उस जागने में आप हराम नहीं कमाते, आप जो है वो रिश्वतें नहीं लेते, आप काम करते हुए नज़र आते हैं, आपका डिलीवरेंस नज़र आता है। ये जब हो जाएगा और फिर जब आप लोगों से कहेंगे आओ इसको ओन करो तो सब लोग इसको ओन करने लगेंगे। अच्छा मुस्तफ़ा भाई देखें, एज अ लीडर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी की, लाइक नर्चर आप अपने कारकुनों को करते हैं या जो भी आपकी जो फॉलोअर्स होते हैं उनको करते हैं, तो आपकी क्या टीचिंग है ये पॉलिटिक्स से हटके अपने कारकुनों के लिए या आपको जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आप क्या टीचिंग है? जैसे कि जो सिविक सेंस जो मेन जो चीज़ होती है हमारे अंदर वो शायद अभी नहीं है कराची में, कहीं भी थूक दिया, पान थूक दिया या कचरा फेंक दिया, गाड़ी से निकाल के फेंक दिया, ये जो चीज़ें हैं ये काम चूँकि हमारे पास पॉलिटिकली माहौल होता है हर वक्त किसी ना किसी को फॉलो करते हैं हम लोग, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल लीडर की भी एक मतलब ये नुकात होने चाहिए कि भाई वो अपने जो फॉलोअर्स हैं या अपने कारकुन हैं उनको ये टीच करे, ये नर्चर करे ये चीज़ें? नहीं पहले तो डिपेंड करता है ना कि पॉलिटिकल लीडर जो है वो खुद क्या है, पहले तो वो टीच तो बाद में करेगा, वो खुद क्या है पहले तो उसका किरदार देखा जाए ना।
देखिए हम तो जो करते हैं हम आपको बता देते हैं, हमने तो अपने यहाँ ये बात जो है वो पहले दिन से और आज तक और आखिरी सांसों तक हमारी चीज़ हमने जिसे कहते हैं ना कि उनके उनको घोल कर पिलाया हुआ है कि भाई हम ये सियासत कर रहे हैं, MNA MPA वज़ीर बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, कौंसलर बनेंगे, मेयर बनेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें बाद में बनेंगे, पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे काउंसलर नहीं बन सकते, आप अच्छे UC चेयरमैन नहीं बन सकते, आप अच्छे MNA MPA वज़ीर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो पहले आपको अच्छा इंसान, उस अच्छे इंसान के बनने का मकसद ये कि आपको अपना किरदार ठीक करना है, आपको किरदार वाला होना है कि आप आ, 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 आपका किरदार ऐसा हो कि आपका दुश्मन भी जो है वो आपकी आपके सच्चे होने की, आपके ईमानदार होने की, आपके किरदार वाला होने की आप वो गवाही दे। और आप देखिए कि इन 6 सालों में हमने इसको प्रूफ किया है कि हमारे पास से आज तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास से हमने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया कि जहाँ पर हमने अपने अख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं बदला। 6 सालों में हमने कोई पत्थर नहीं मारा हमारे लोगों ने किसी की तरफ भी। और बहुत सारे कयास आराइयाँ थी हमारे बारे में, वो सारी कयास आराइयाँ जो हैं वो बंद ख़त्म हो गई PSP के बारे में। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने शहर में बहुत अमन के साथ एक पीसफुल एक ऐसी नई पार्टी हमने जन्म दी है कि जिसने इस शहर के कल्चर को ख़त्म किया है। और इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर में पहले 22 लोग मरते थे हमारी पार्टी बनाने से पहले, एवरेज 22 लोग मरते थे शहर में। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक भी आदमी यहाँ पर शहर में नहीं मरता, कशुदा कब्रिस्तान लाश नहीं जाती, 6 सालों से ताले पड़े हुए हैं, कोई लापता नहीं हो रहा, कोई कटी पहाड़ी पर फायरिंग नहीं हो रही, कोई आपस में जो है लोग मर नहीं रहे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा किरदार है और हमने अपने कारकुनों को सिखाया है, समझाया है। फिर यकीनन इन सारी चीज़ों में हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए, मरने के बाद होने वाले सवालों का हमें ख्याल होना चाहिए। ये जितनी भी दुनिया में आज बुराइयां हैं और तबाही बर्बादी है और जो लोग कर रहे हैं उनको बेसिकली मौत याद नहीं है, जिस दिन उनको मौत याद हो जाएगी सारी तबाही बर्बादी रुक जाएगी। तो हम मौत की बात करते हैं, मौत की फिक्र करते हैं, अपने कारकुनों के दरमियान मौत की फिक्र करते हैं, फिर हम कहते हैं अपने लोगों को कि भाई अल्लाह ताला 5 दफ़ा आपको सुबह से शाम तक बुलाता है, हय्या अलस्सलाह की आवाज़ लगाता है, आप पलट कर नहीं, मैं बुलाऊँ आपको आप नहीं आएंगे, मैं नाराज़ हो जाऊँगा। रब 5 टाइम आपको बुलाता है, आप नहीं जाते तो क्या रब नाराज़ नहीं होगा? रब नाराज़ अगर हो जाए और हो जाए अगर, तो वो तो कह रहा है कि दुनिया में एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। तो आप रब से लड़ाई करके आप मेरा भला नहीं कर सकते मेरी पार्टी के बाद। तो हम बबांगे धोल अपने कारकुनों को, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, हम कहते हैं कि अपने मसलक से कम 5 टाइम अल्लाह जब पुकारता है तो उसके आगे झुकने वाले ज़रूर बने। और ये इसलिए कि जब रब से डर होगा तो ही जो है वो तन्हाइयों में बुराइयों से बचेंगे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हर दिन के गुजरने के साथ हमारे कारकुनों की क्वालिटीज़ में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। इसीलिए हमने देखें कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, हम जो है वो तमाम इम्तिहानों से गुजरने के बावजूद हम अल्लाह का शुक्र है कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक नेचुरल प्रोसेस है पाक ज़मीन पार्टी का, एक वक्त आएगा कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं रह जाएगी लोगों के पास इंशाल्लाह। अच्छा वैसे पान वान खाते हैं आप? नहीं, पान में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभार शौकिया खा लिया लेकिन बहुत अरसा हो गया नहीं। वो भी कौन सा पान है आपका? बोल, मैं तो कभी भी खैर पत्ती वाला पान मैंने कभी नहीं खाया, और मैं जो है वो सौंफ खुशबू वगैरह कभी, लेकिन अभी बहुत अरसा हो गया, दांत वो फिर पीले पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो बड़ा मसला होता है, तो इसलिए पान। वैसे तो गाड़ी में कुछ नहीं है, मेरे गाड़ी में छालियाँ पड़ी भी होगी, वो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। आप हैं तो बस हम आपको अगर कोई चाय शाय पीनी है तो हम लोग रुक सकते हैं बीच में कुछ नहीं। जज़ाकअल्लाह, आप मुझे लग रहा है आप नाश्ता वाश्ता नहीं करके आए? नहीं, जज़ाकअल्लाह, नहीं मैं तो बिल्कुल नाश्ता भी करके आया हूँ और जो है वो खाना वाना भी खा के आया हूँ। आप इसकी फिक्र ना करें, आप कहेंगे आपको क्या कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए, मैं आप ये बताएं कि वो वाला रिस्पॉन्स आपको देता हूँ अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो। आप ये बताएं आपको किस जमात से तसल्ली है? ये मुझे किसी जमात से तसल्ली नहीं है, अगर मुझे किसी जमात से तसल्ली होती तो मैं पाक ज़मीन पार्टी बनाता ही नहीं। मुझे तो अगर पाक ज़मीन पार्टी बनाई है तो मुझे पता है कि कोई हमारे अलावा कोई और इसको ठीक कर नहीं सकता। जिस दिन मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि कोई जमात है तो हम तो पार्टी बंद कर देंगे, उसके पास चले जाएंगे, किसी जमात से तसल्ली नहीं है मुझे। नहीं तो मतलब फिर भी कहीं ना कहीं आप एक कोलेशन चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ आपको लगता है कि ना हाँ इनसे बात हो सकती है इस पार्टी से जो थोड़े बहुत देखें मैंडेट जिसके पास आ जाएगा, कल को हमारे पास भी आ जाएगा, कोई और आएगा
तो बात तो सबसे हो सकती है, लेकिन बात होने के कुछ पॉइंट्स हैं ना। हम जिस तरह फर्ज करें कि हम पाकिस्तान में तीन आइनी तरामीम चाहते हैं जिससे पूरे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा, मेरा भी मसला हो जाएगा, कराची हैदराबाद का भी। उन आइनी तरामीम के ऊपर बात हो सकती है, सबसे बात जिसको मैंडेट मिलेगा उससे बात हो सकती है, कल को हो सकती है जिसके पास मैंडेट हो, इन इन इश्यूज़ के ऊपर बात हो सकती है। उसमें तो हमारी कोई रिजिडनेस नहीं है कि हम ये किसी से बात ही नहीं करेंगे, ये हमारा चक्कर नहीं है। मुझे अगर मैं आपको 10 अरब रुपए दूँ, 10 अरब डॉलर, क्या करेंगे कराची के लिए? जी कराची के पानी का बुलेट पॉइंट्स बताएं। जी कराची के पानी के निज़ाम को ठीक करेंगे, कराची के मास ट्रांजिट को ठीक करेंगे, कराची के जो इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को ठीक करेंगे। ये तीन बच्चे, चौथी बात जो है वो कराची के की तालीम को ठीक करेंगे, पीले टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे, ऐसे टीचर्स दुनिया भर के टीचर ऐसे ट्रेनर्स लेकर आएंगे जो यहाँ के टीचर्स को ट्रेन करें और जो मेरे बच्चों को दुनिया की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में जो तालीम दी जा रही है उस तालीम को देने वाले यहाँ के टीचर्स बन जाए। ये चार काम करें, अगर आप 10 अरब डॉलर खत्म हो जाएंगे इसमें, पक्की बात है। अगर आप वैसे स्कूल देखें, आज तक वो फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे, जबकि आजकल बच्चे को किसी को जरूरत ही नहीं है बेसिक चीजों की, उनको पता ही होता है। वो हुक्मरान के बच्चे नहीं पढ़ रहे ना वहाँ पे, हुक्मरान के बच्चे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं और हुक्मरान इन्हीं बच्चों के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 2300 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में खर्च किए उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ एजुकेशन पे 2300 अरब रुपए, टोटल वो 10,242 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। 10,242 अरब रुपए खर्च कर दिए सिर्फ 13 सालों में और सिर्फ एजुकेशन पे 2300 अरब रुपए खर्च किए। 2300 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनकी एज है स्कूलों में जाने की। आज 11,000 स्कूल सिंध में घोस्ट स्कूल हैं, 11,000। कैन यू इमेजिन, यानी कि स्कूल नहीं है, ज़मीन नहीं है, दीवारें नहीं हैं, उसके मेंटेनेंस के पैसे आ रहे हैं, उसके टीचर के पैसे आ रहे हैं, उसके पानी के पैसे आ रहे हैं, उसके बच्चों की किताबों के पैसे आ रहे हैं और स्कूल और वहाँ पर ज़मीन ही नहीं है। ये हालात हैं सिंध के अंदर। तो जो आप फरमा रहे हैं आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि बदकिरदार, जो मैंने आपको पहले बात की आपके पहले सवाल के जवाब में, कि इस शहर इस मुल्क की ज़रूरत किरदार वाली लीडरशिप है। जब किरदार का मसला आता है, हमारी कौम कहती है, कुछ दोस्त कहते हैं नादान कि वो तो फलां का ज़ाती मसला है, फलां दिखने में बड़ा अच्छा है, फलां वज़ीर बहुत अच्छा है, फलां एमबीए बड़ा अच्छा है, फलां इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, फलां वज़ीर आज़म बड़ा अच्छा है, फलां वज़ीर बहुत अच्छा है, किरदार तो आजकल हैंडसम भी चल रहा है, किरदार कहते हैं उसका ज़ाती मसला है। मैं कहता हूँ, एक साहब ऐसे थे, मैंने उनसे कहा क्या आप अपनी बच्ची का रिश्ता करेंगे ऐसे किरदार वाले आदमी से जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप एक ज़िंदगी है, एक जान का फैसला की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, उसको हवाले नहीं करेंगे इस किरदार वाले आदमी के, एक बच्ची को आप हवाले नहीं करेंगे इस किरदार वाले उस बच्ची का रिश्ता करने से पहले आप लड़के का ख़ानदान मालूम करते हैं, उसके घराना मालूम करते हैं, उसका पड़ोस मालूम करते हैं, उसके दोस्त मालूम करते हैं, उसकी रात की बैठक मालूम करते हैं, उसका सब कुछ मालूम करते हैं, उसका किरदार देखते हैं आप हैं एक जान का फैसला करने के लिए आप 25 करोड़ लोगों को किसी के हवाले करने जा रहे हैं और कह रहे हैं किरदार उसका मसला नहीं है। तो भाई फिर गटर मिला पानी पियोगे ना यार आप, फिर तो जो है करंट लगकर मरोगे ना, फिर आप फिर तो महंगाई के बम गिरेंगे ना। किरदार आप कहते हैं कि जिसको ज़्यादा मसला है, आप अपने घर के रिश्ते बच्ची बच्चियों के करते नहीं हैं बगैर किरदार देखे, और मुल्क के 25 करोड़ लोगों को आप कहते नहीं इसका किरदार ज़्यादा मसला है, तो फिर खाओ जो है वो गधे का गोश बकरा समझ के, फिर खाओ जो है महंगाई में डूबो मरो, फिर यही होगा, फिर और क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत दी 40 साल की उम्र में। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई दीनी आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आम सा बहुत ही गुनाहगार सा आदमी हूँ, लेकिन डेफिनेटली दीन हमारे लिए जो है वो स्पिरिट है अपनी गाइडेंस लेने के लिए। अल्लाह के और रसूल की ज़िंदगी पूरी गाइडेंस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 साल में नबूवत दी। उस माशरे में 40 सालों तक जिस माशरे में उस जाहिलियत का ज़माना था, कौन सा ऐसा जुर्म और गुनाह है जो ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए उस मक्के में नहीं हो रहा था, उस खत्ते में नहीं हो रहा था? बच्चियों को दफन करने से लेकर लोग माओं से निकाह करते थे, ऐसा जाहिलियत का ज़माना था, लोग माओं से निकाह करते थे, माओं से निकाह करते थे। एंड यू नेम एनी क्राइम एनी सिन दैट वॉज हैपनिंग दोज डेज, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी देनी थी नबूवत से पहले इस सारे माशरे के खराब होने के बावजूद उनके दाग पर, उनके दामन पर एक दाग नहीं लगने दिया, एक दाग
यहाँ तक कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई कि भाई बताओ कि मैं कहता हूँ कि टीले के उस तरफ जो है वो दुश्मन की फौज आ रही है तो तुम यकीन करोगे, पूरा अबू जहल जैसे लोगों ने भी कहा कि भाई हम तो आप सादिक और अमीन हैं और हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए देखा नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। उन्होंने कहा फिर कहो कि फिर अल्लाह एक है और मैं अल्लाह के रसूल हूँ। वहाँ से फिर जो है वो इख्तलाफात हो गए। तो बताना मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जिसको अल्लाह का भी ये कि सुन्नत नहीं है कि जिसको जिम्मेदारी दे उसका किरदार जो है वो के ऊपर कोई क्वेश्चन कर सके, उंगली उठा सके। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने से पहले किरदार बनाया उनका। कोई नबी आप दुनिया में उठाकर देख लें, कोई बड़ा इंसान दुनिया में उठाकर देख लें, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अल्लाह का भी, वो अल्लाह का बड़ा बंदा भी हो और वो बदकिरदार भी हो खुदा ना खास्ता। पहले उसका किरदार है, बाद में उसको जिम्मेदारी मिलती है, पहले उसका किरदार है। आप उल्टा यहाँ तो मेरे ख्याल से आप उल्टे चलते हैं, तो भाई हशर देख लेना, मौरूसी सियासत का भाई आप हशर देख लेना। नहीं नहीं नहीं, ये सब इंसान के अपने अंदर है। देखें, एक आम आदमी के सोचने समझने फैसले करने का मेयार खत्म हो गया, बदल गया, एक उसका तरीकेकार चेंज हो गया। एक आम आदमी भी बड़ी गाड़ी देख कर मरूब हो रहा है, ये नहीं देख रहा कि बड़ी गाड़ी उसके खून को चूस कर लेकर आया गया है। एक आम आदमी भी प्रोटोकॉल देख, जैसे आपने कहा कि शुरू में कि आपके तो झंडे नजर नहीं आ रहे, नहीं जरा नजर आ रहे, तो भाई ये जो झंडे लगाने वाले तो पूछो अपने बाप के पास से निकाल के लेकर आए पैसे, ये इनके पैसे हैं, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी दवाओं के पैसे, तुम्हारी सड़कों के पैसे, तुम्हारी तालीम के पैसे से नोच कर ये तुम्हारे नाम, तो ये अपनी कैंपेन चला रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और इसी झंडे से तुम्हें जीतेंगे, अभी खर्च करेंगे, अभी मेरे पास तो भाई नहीं है। अगर मैंने कमाया हुआ होता, हराम कमाया होता, तो मैं ये पार्टी क्यों बनाता भाई, जहाँ से मैं हराम कमा रहा था वहीं रहता ना, मुझे वो क्यों बुरे लगते, फिर मैं पीपल्स पार्टी में होता ना फिर मैं। आप ये बताएं, ये जो आपका जो इंतखाबी निशान है, आप ये मतलब ये आपको पसंद है? नहीं देखिए, आपको मिल गया बस, बाय चॉइस नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जब आप कोई पार्टी बनाते हैं उसका रूल है, ECP का रूल ये है कि आपके पास जो है वो सिंबल आपको लेना होता है, तो सिंबल के जो है वो 141-142 सिंबल्स हैं, उसमें से 100-125 जो अलॉट हुए हैं ऑलरेडी, तो आपके पास ऑप्शन वो होता है कि जो आपके पास गिवन सिंबल्स हैं उन सिंबल्स में से आपको चूज़ करना पड़ता है। तो हमें जो 30-40 ऑप्शंस मिले, उन 30-40 ऑप्शंस में ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन था। उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि वो और बड़े आड़े टेढ़े किस्म के जो है वो उसका सिंबल था, उसमें बड़े थे मनेगा में मजाक खेज किस्म के सिंबल्स थे, तो हमें जो है वो ये सिंबल उनमें से कुछ बेहतर है कि भाई डॉल्फिन एक जो है वो इंसान दोस्त आबी हयात है और इंसानों को बचाती है, और इसलिए उसका एक वो है, तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, वैसे तो आपको भी पता, आपका भी साथ प्रोटोकॉल लगा रहता होगा सिक्योरिटी, बट कितना टाइम हो गया फैमिली के साथ ऐसे ही निकले और विदाउट प्रोटोकॉल कहीं बैठ के खाना खाया? नहीं, दिल नहीं चाहता आपका? दिल चाहता है लेकिन याद नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, मुझे सुबह होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ। फैमिली कंप्लेन नहीं करती आपकी? नहीं, फैमिली को पता है कि मैं किस रास्ते पे हूँ, और फैमिली को पता है कि उसको इसका सदका जारिया मिल रहा है, जा रहा है, फैमिली को पता है कि मेरी नीयत क्या है, फैमिली को पता है कि मैं जो है वो अल्लाह की मखलूक, मुझे सारे ऑप्शंस थे दुनिया भर में और ऑप्शंस को छोड़कर मैं ये वाले काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह को उनको पता है कि मैं जो वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए मैं। वैसे मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ, अगर आपको सोडा वोडा पीना है, सोडा मतलब वो वाला सोडा जो मीठा सोडा होता है। नहीं, जजाक ला कर, मैं चाय शाय आप पियेंगे, बर्गर शर्गर खा सकते हैं, आप चाय पिलाते हैं ऑफिस में, चले आपको चाय पिलाते हैं, जजाक ला। अच्छा ये एक जो सबसे मेन मसला है, तो कराची में यूजुअली देखें ना आप, प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट कोटा होता ही नहीं हमारा, तो यहाँ पे हर किसी बंदे का एक दिन का एक बजट होता है खाने का, और वो बड़ा मिनिमम से होता है 100-150-200 रुपए, तो वहाँ पे बंदा कोई रेस्टोरेंट नहीं जा सकता ये 150-200 रुपए में, वो जाता है स्ट्रीट वेंडर्स के पास, बट यहाँ पे कोई लॉ नहीं है स्ट्रीट वेंडर्स का, कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब आज सपोज करें मैं नीचे उतर के आऊँ और ऑफिस से निकलूँ और खाना खाऊं, तो आज वो ठेला दिखेगा, कल वो पता चलेगा उसको KMC उठा के ले गई या DMC या कुछ और मसले आ गए उसके साथ, तो ये हम लोग कभी क्यों नहीं, हम स्ट्रीट फूड पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि दुनिया आजकल देखें, टर्की आपने देखा कि वो फूड के थ्रू जो है ना अपने आप को वो प्रमोट कर रहा है, वो
तो वाला चीज जो ना वो हमारे पास मिसिंग है कि हम लोग बड़ा इनको जी बहुत सारी चीजें लेकिन आप जिस जगह चले यहाँ दिख गया भाई आपका आपका दिख गया बैनर देखा मुझे जिस जगह पे जो नहीं तो हफीजुद्दीन साहब ने बेचारों ने अपने पैसों से लगवाया ये उनका NA-245 का इलेक्शन हो रहा है ना तो ये कैंडिडेट हफीज साहब हमारे सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर हैं ये वाइस चेयरमैन है और ये कैंडिडेट है NA-245 से हफीज साहब ये हफीज साहब को ने अपने पैसे खर्चों से लगवाया उन्होंने पार्टी ने नहीं दिए इनको पैसे उनकी सारी अपनी माशाल्लाह से जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट पार्टी के पास पैसा कैसे आएगा आप ये भी तो बताया ना पार्टी के पास कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस होंगे देखिए आज जलसे करने आपको क्वार्टर मीटिंग जब भी तो हम एक जलसे के बाद जो साल भर हमें इंतजार करना पड़ता है हमें जो है वो इन दूसरी पार्टियों का अगर हमें अशरे अशीरी भी उतना पैसा हो जाए ना तो हम 3 महीनों में फेंक दें उठाकर सबको तो पैसा नहीं है हमारे पास और लोग जो है वो तो करें ना कुछ क्रिप्टो में वैसे यकीन रखते हैं आप लोग जो है वो मैंने कोई डिटेल में इसकी जो है वो स्टडीज की नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट तो आई कांट मेक अप माय माइंड मुझे नहीं पता इसकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ली नहीं है सर सरी सा मुझे मैंने सुना हुआ है चीज़ें सुनी हुई हैं लेकिन मैंने इसकी इसको रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर वैसे मुझे वो आप मीम फ्रेंडली हैं मतलब मीम्स शीम से आपको पता है कुछ जो मीम्स आती हैं आप पे भी काफी मीम्स आई है कोई फेवरेट मीम आपकी हाँ नहीं मुझे याद तो खैर नहीं रहती लेकिन हाँ गुजर जाता जाती हैं कुछ चीजें ऐसी नजर में हम काफी बोल चुके पानी की बोतल ले लें जी थैंक यू वेरी मच शुक्रिया वैसे तो पेट्रोल डलवाना था मुझे लग रहा है बट चलें बाद में डलवा लेंगे ये पेट्रोल कहाँ जा रहा है मुझसे भाई बल देखें जब आप और ये गलती किसकी है आप ये भी बता दें देखिए मैं आ जाता हूँ देखिए जब आप मुसलसल चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे ना और मुल्क आप जो है वो तो उसका एक टाइम तो आ जाता है जब आपको उसका फिर पे बैक करना पड़ता है आपको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है ये एक वक्त के सी एक आदमी के किए का किया धारा नहीं है ये हम मुसलसल जो है वो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें ली हैं और हमने चीज़ें ख़राब की हैं और उसका नतीजा अभी आ गया है कि अब हमारे पास जो जो हनीमून टाइम था ना वो हमारा हनीमून टाइम ख़त्म हो गया और अब जो है वो पे बैक टाइम आ गया कि अब आपके पास सकत ही नहीं है सैचुरेट कर गए आप सारी चीज़ें यानी कि सारी स्टूपिडिटीज़ करने के जितने भी मौाक़े थे आपने सब इस्तेमाल कर लिए और अब आपको जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं तो यकीनन जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने IMF से जो कर्ज लिया था उसके जो एग्रीमेंट किए फिर उन्होंने जो उस एग्रीमेंट के अंदर ये सारे एग्रीमेंट्स कर रखे थे कि उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं फिर जब उनको लगा कि उनके जाने का टाइम आ गया तो उन्होंने उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल्स की कीमत जो है वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो है वो कम कर दी जानबूझकर कम कर दी कि जो है वो ताकि अगर हम चले भी गए और आने वाला जो होगा उसके ऊपर ये बोझ पड़ेगा तो टिपिकल ये जो है वो एक नेशनल इंटरेस्ट से हटकर एक पर्सनल इंटरेस्ट और अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये सारा काम हुआ दूसरी जो हुकूमत आई है वो एक तो उसको आना नहीं चाहिए था वो और, तो मेरे ख्याल से हाँ, एक मिसाल होती है खैर सॉरी वो उड़ता तीर जो आपने मिसाल हां बैल मुझे मार वाली बात है तो उनको एक तो आना नहीं चाहिए था और उन्हें आने के बाद भी जो वो काम कर रहे हैं वो तो कोई मैट्रिक का बच्चा भी कर सकता है अगर आपको जो है वो IMF के कहने पे सारी चीज़ें जो है उससे वो आपसे एक ऑर्डर पास करना तो फिर इसमें आपका क्या कमाल हुआ और ये जो हुकूमत आई है इसकी जो अरेंजमेंट ऐसी है कि इसमें जरदारी साहब पीपल्स पार्टी किंग मेकर है और उनकी हुकूमत है यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी को उसमें खुला मौका मिल गया है कि वो जो चाहें अब सिंध में करें उनको कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 सीटों की मरूने मिन्नत है और 2 सीटों से वो हुकूमत चाहे तो उनमें तो इतना दम नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को रोके किसी गलत काम से नंबर वन पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी उनको नहीं रोकेगी उनको मुल्क चलाना है आर्मी चीफ भी नहीं रोकेंगे चीफ जस्टिस भी नहीं रोकेंगे कोई उनको नहीं रोकेगा गलत काम करने से क्योंकि उनको मुल्क के को डिस्टेबलाइज नहीं करना और पीपल्स पार्टी जो है उस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर देगी अगर उनको आप छेड़ेंगे तो उसका नतीजा आप ये देखिए कि अभी सिंध में चंद हफ्तों पहले 14 districts में इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के उस इलेक्शन का हाल ये था कि टीवी के कैमरों ने दिखाया कि ऑफिशियल डाकू पुलिस और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि अमला था वो सब इकट्ठे बैठकर पीपल्स पार्टी के को वोट डालने और मोहर लगा रहे हैं तो ये हशर रहा ये हाल हो गया इसलिए उनको पता है कि कोई उनको तो पीपल्स पार्टी ने इसको अपनी जागीर बना ली है हुकूमत नहीं चला रहे वो उन्होंने अपनी इसकी जागीर बना ली फिफ्टम बना ली है तो ये हुकूमत तो ये निज़ाम तो ख़त्म होना चाहिए फौरन और जो है वो नए इलेक्शंस होने चाहिए
खैर मुसो भाई, ये पानी से याद आया, वो K4 का क्या सीन है? कब होगा K4? कब हम होता हुआ देख रहे हैं इसको? K4 मेरा कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट है और अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसकी उस पे मेरे बाद जाने के बाद बड़े नाहल लोग जो है वो आए, उन्होंने जो है वो उसको समझने में बहुत टाइम लगाया। हर गवर्नमेंट आकर उसको जो कहती कि इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, वो 2 साल के बाद कहती कि हाँ नहीं डिज़ाइन ठीक है, हमने चेक करा लिया और K4 वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब ये पीपल्स पार्टी PTI की गवर्नमेंट आई थी, उसने कहा हम करेंगे इसको, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खाते में आ गया है और लेकिन नीचे काम नहीं हो रहा और कोई उसका पुरसान हाल नहीं, किसी की ओनरशिप नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास वोटर बोर्ड है और पीपल्स पार्टी को शहर से कोई लगाव नहीं है, वो तासुब ज़्यादा हुकूमत है, ये वो तासुब करते हैं कराची के साथ, तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि K4 जो है वो कम्प्लीट किया जाए और उसके ऊपर वो काम किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये काम अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि हमसे ही लेना है। लोगों ने अगर हमें वोट दिया इंशाल्लाह ताला इस लोकल गवर्नमेंट में और मुझे ये मौका मिला तो हम इस अपने ही प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं इंशाल्लाह। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ PSP इलेक्शन में कुछ परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल। आपका पाकिस्तान हाउस आ गया? जी हमारा पाकिस्तान हाउस। ये पाकिस्तान हाउस नाम क्यों रखा आपने इसका? बस इसलिए कि जो है वो हमने पाकिस्तानियत की बात की, सबको जोड़ने की बात की, तो इससे अच्छा नाम हमें समझ में आया नहीं। तो सबकी जगह है, जो भी पाकिस्तानी है उसकी जगह है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो भी पाकिस्तानी है वो हमारा। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा। वैसे बातें बहुत सारी करनी थी, बहुत सारे सवाल थे लोगों के, मगर मसला ये था कि अब जब एक फ्लो में चले तो कुछ चीज़ें आती हैं जहन में, कुछ नहीं आती। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप कंफर्टेबल हों, कुछ आपको ऑकवर्ड नहीं लगा हो। सवाल और भी बहुत सारे सवाल थे अभी, बट फिर कभी इंशाल्लाह ताला। हमारी तो ज़िंदगी जो है वो ऑकवर्ड सवालों में गुजर गई है, तो हमें आई होप कि आपने जो है वो हमारे जवाब को ऑकवर्ड ना फील किया। नहीं नहीं, बल्कि मुझे आज तक याद है वो एक दफ़ा जो आप गुस्सा कर गए थे बड़ा, वो याद है आप खड़े थे अमेजन रोड पे, वो कोई एंकर ने मेरे ख्याल से लाहौर के कुछ सवाल पूछ लिया था, उस पर मैंने देखा था आपका जो रिएक्शन आया था ना वो बड़ा गोल्डन था, वो आज तक लोगों को याद है। जी जी, जो जिस तरह सवाल होता है फिर उस तरह से जवाब होता है जी। और अभी अभी लास्ट टाइम मैंने आपको देखा जो कोरंगी में जो इलेक्शन हुआ है उस पर भी बड़ा आपका बड़ा बड़ा जारहाना सा आपका वो आया था। आपको मालूम नहीं क्यों मेरा जारहाना? हाँ ये मैं बात करनी थी बट मैंने टाइम का पता नहीं चला हुआ क्या था। वो हमारा साथी शहीद हो गया था, मुझे गोली लग गई थी, मेरे साथी को। आपको गोली लगी? जी जी, अभी गोली लगी हुई है। जी जी, और मेरे हमारे जो है वो 2 साथियों को चेस्ट क्रॉस करके जो है वो, तो आपने मेरा जारहाना मूड देखा और आपने ये नहीं मालूम किया कि मैं जारहाना मूड में क्यों? तो ये वाकया हुआ था पूरा, हमारे ऑफिस में दहशतगर्दों का हमला हुआ था, मेरा एक साथी शहीद हो गया, एक सेंट्रल कैबिनेट के आदमी को जो है वो चेस्ट पे गोली लगी, 2 लोगों के जो है वो टांगों में गोली लगी, मेरे गोली लगी, निस्का अम्फानी की गाड़ी पे गोली लगी। तो ये वाकया था, इसलिए मुझे इसलिए तो उस वक्त तो मैं जो है वो मिली तराने तो नहीं सुना सकता था आपको। नहीं, बहरहाल अल्लाह करे कि कभी ऐसा हो कि आपके अगर अपोजिशन भी साथ हो तो इस तरह की चीज़ें ना हो। पता नहीं क्यों हम कराची में ये चीज़ें बड़ी देखते हैं कि क्लैशेस होते हैं और फिर कोई ना कोई हम हाँ वो कोई कार्रवाई थी, हम तो कार्रवाई करते तो फिर जो है हम फिर वो अभी तक वो लोग उसको उसका डैमेज ही वो कर रहे होते, समेट रहे होते, लेकिन हमने कोई कार्रवाई की नहीं पलट के, हमने शहर के अमन को जो है वो सबर किया और मलूज खातिर रखा। उम्मीद करते हैं कि भाई आप इंशाल्लाह ताला आगे हम आपको देखेंगे दोबारा से जैसे हम देखते थे, रात को आप लगे रहते थे अपनी टीम के साथ, उम्मीद ही कर सकते हैं हम और आपको बेस्ट विशेस कर सकते हैं। बहरहाल ये कि अपने कारकुनों को प्लीज भूलिएगा कि वॉल चॉकिंग जो है ना दीवारों पर जरा वो कम करें। आप मैं आपसे मुनाफ़त नहीं करेंगे, अभी तो नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, अभी मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, अभी नहीं बोलूंगा, सारी पार्टियां कर रही हैं तो जाहिर पता है मेरे अकेले कारकुन के ना करेंगे तो वो उस क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ एक टाइम आएगा कि हमारे पास अगर ये इख्तदार आया, ये मेयरशिप आई, तो फिर हम जब पहले अपने आप को मना करेंगे, फिर उसके बाद जो सब लोगों को मना करेंगे और उसके बाद जो उसके ऊपर कोई लॉ बनाएंगे और उसको नहीं करने देंगे। अभी मैं आपको बोल दूँ TV के कैमरों के आगे और बाद में बोलूँ ना तो मुस्तफा कमाल ऐसा आदमी है ही नहीं। अभी हम कैसे बड़ी 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 आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोली है। और अभी मैं देख रहा हूँ सामने जानेमाज बिछ रही है और नमाज का इंतजाम हो रहा है। चलिए जी, मेरे ख्याल से नमाज का भी टाइम हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सही लगा हो, अच्छा लगा हो। ये पहला एपिसोड था, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। चलिए जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो जी ये था मुस्तफा कमाल साहब के साथ एक गाड़ी में हमारी एक छोटा सा सेशन। उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई हो, ये आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। तो इसी तरह का अगर आप फीडबैक दें
दें, गेस्ट कौन होना चाहिए ये भी बता दें। भाई एक नया सिलसिला शुरू किया, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ हज़म हो जाए। चलें जी, इजाज़त दीजिएगा, मिलते किसी अलग गेस्ट के साथ, इसी गाड़ी में बातें करते हैं सर कराची की, यार कराची के रहने वाले कुछ मसले डिस्कस करेंगे, फिर पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, मतलब ओवरऑल और दूसरी सिटीज़ पर। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।